मुझे स्टूडियो में कोई चमकता हुआ नजर आ रहा है। अदनान आदिल साहब आज बहुत चमक रहे हैं जी, इनको वेलकम करते हैं। अदनान साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सर्दी इंजॉय कर रहा हूँ लाहौर की, इसलिए चमक रहे अदनान आदिल साहब। हम देख आपके शो में आया हूँ ना, इसलिए चमक रहा है। ये असल में वाइब ऐसी है जी। अदनान साहब नून लीजिए, मैंने कहा आप वेलवेट के कपड़े पहनती हैं तो मैं वेलवेट का कोट पहन लेता हूँ। ये आजकल वैसे सही मैचिंग चल रही है, सही मैचिंग। कल नाजी साहब ने भी ग्रीन हाईनेक पहनी हुई थी और मैंने शहर वालों ने ग्रीन कोट पहना हुआ था। मैंने बस शहर वालों से मुकाबला कर लिया, बहुत कामयाब हो गया। अच्छा, इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू है और हम देख रहे हैं कि निशानात अलॉट कर दिए गए, निशानात अलॉट कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट निशानात सामने आ रहे हैं। तो उकाड़ा में मरियम नवाज ने कल धुआंधार एंट्री भी दी थी उनकी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं वो निशानात पर करने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो मिला है वो है मोर, किसी को जूते का भी। हाँ जी, ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं उनका इंतखाबी निशान जूता और उनकी साहबजादी मेहरबानों को जो है। आपको कौन सा पसंद? मुझे पसंद है तीर। और आपको? मुझे, मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी है। अच्छा, गधा गाड़ी भी मिला है लोगों को। इन सब में मुझे तीर बेहतर लगा। गधा गाड़ी जी जी, ओह माय गॉड, जूता और गधा गाड़ी, ये क्या हो गया? चिमटा भी मिला, किसी को चिमटा मिला है, चिमटा मेहरबानों को चिमटा मिला, अल्लाह बाजा बजे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को गलती से उन्होंने तीर का निशान अलॉट करने के बजाय ना व्हीलचेयर दे दिया, ये भी कल हुआ है। और वो बिलावल भुट्टो गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने व्हीलचेयर। अच्छा, बैंगन भी दिया गया, आपको पता है बैंगन सब्जियों में भी हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी थी कि ना पसंदीदा वो कराची से आलमगीर खान साहब जो लड़ते हैं, सालन जो है ना वो तैयार उनको बैंगन दिया गया, तो आलमगीर खान साहब गोल बैंगन नहीं है, शुक्र है करेला नहीं मिल गया किसी को। जरताज गुल साहिबा को बैंच दिया गया है। आप ये देखिए, बात ये है कि मेहरबानों को देखिए चिमटा दिया गया, वो चिमटा बजाते थे कहेंगे चिमटा पे लगा दे मोहर। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको जो निशानात अलॉट किए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी को मोर दिया गया, चले ये तो फिर काबिले कबूल है अदनान साहब। बड़े बड़े फनी ये अदनान साहब दिए गए हैं, ये डेलिब्रेटली होता है ऐसा या जो चीज अवेलेबल? मेरे ख्याल से ये इन्होंने ना जानबूझकर ही किया गया। देखें, असल में पीटीआई से बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया, लेकिन ये कि वो जो उनको ऐसे निशान दिए गए जिससे उनकी तजहीक हो और जिससे उनका मजाक उड़े, और ये कि सबको एक दे देते ये भी नहीं हुआ, बल्कि एक कौमी असम्बली के नीचे दो सूबाई असम्बलियों की नशस्तें होती हैं, तो उनका एक पैनल बन जाता है। उस पैनल में अगर दो तीनों को एक ही मिल जाता है, यानी एक कौमी और दो सूबाई जो उसके नीचे हैं या तीन हैं, तो उन लोगों को आसानी होती है वोटर्स को उनको पहचानने में। लेकिन सबको एहतमाम किया गया कि अलग अलग मिले और ऐसे निशानात दिए गए कि उनका मजाक उड़े, लेकिन इसका उल्टा फ़ायदा भी उन्हें हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ का मजाक उड़ता है वो जल्दी फैल जाती है, उनका अब निशान जो है वो जल्दी से आम लोगों के लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये गुची का जूता है? ज़ैन कुरैशी साहब, हाँ हो सकता है बाली का शूज भी बहुत मर्दों के लिए। लतीफ खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब का भी उन्हें के लेटर, अंग्रेजी का लेटर के है, ये बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि पहले था कि बानी पीटीआई को माइनस किया जाए, अब कोशिश ये है कि पीटीआई को भी माइनस कर दिया जाए, उसको 20-30 सीटों तक महदूद कर दिया जाए। उसके साथ जो रवैया है निगरान हुकूमत का कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसे उनके पहले कागजात नामजदगी छीने गए, फिर उनके तस्दीक कुनिंदा उठा लिए जाते थे, कभी अगवा कर लिए जाते थे, कभी फिर उनके होल सेल में रिटर्निंग अफसरों ने सारे कागजात मुस्तरद करना शुरू कर दिए, ट्रिब्यूनल से उनको लेना पड़ा, फिर उनका निशान भी चला गया। अब भी उनके बहुत से जगहों पर लोगों के छापे पड़ रहे हैं, कहीं पर उनको उठाया जा रहा है, तो उनके लिए इलेक्शन जो है मुवाफिक नहीं है। अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, देखना ये होगा, क्या कोशिश ये थी कि शायद ये इतने बददिल हो जाएं कि इलेक्शन का बायकॉट कर दें, तो उनकी मुखालिफ पार्टी को एक वॉकओवर मिल जाए, लेकिन वो अभी तक बायकॉट की तरफ नहीं जा रहे, तो उनके लिए हालात इसी तरह नासाजगार होते रहेंगे। हो सकता है उनको पोलिंग एजेंट भी ना मिले, पोलिंग एजेंटों को भी उठा लिया जाए, जैसा कि अब तक का रवैया हमें नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ऐसी सूरत में पीटीआई अगर बायकॉट नहीं करती तो फिर ये है कि उसको 30 सीटों तक 50 सीटों तक महदूद कर दिया जाए, गेम प्लान ये लग रहा है, और निगरान हुकूमत उसके मुआफिक नहीं है, हालात उसके मुआफिक नहीं है। पीटीआई की
स्ट्रैटेजी एक देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए उनके उम्मीदवारों को, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी वोटर अपने इलाके का जो भी पीटीआई का नुमाइंदा है उसका देखना अगर चाह रहा है कि इंतखाबी निशान क्या है वो कंफर्मेशन, तो उस पोर्टल से चेक कर सकते हैं, तो कामयाब होगी स्ट्रैटेजी। कुछ पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे, लिटरेट लोग हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की आधी आबादी तो ना खानदा है या नीम खानदा है, तो उनके लिए तो मुश्किल होगा, खासतौर से देहात वगैरह में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से बहुत दूर हैं अभी भी। बिल्कुल, तो वो कैसे? लेकिन ये कि बहरहाल आजकल आपको पता है मोबाइल फोन तो दूर दराज देहात में भी है, वो लोगों तक मैसेज तो पहुंच जाएगा, लेकिन उससे उनके 10-15% वोट जाया जरूर होंगे। कुछ लोग बददिल होकर घर बैठ जाएंगे तो उससे भी उनका वोट जाया होगा। अगर लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकल आए फिर हालात बदल सकते हैं। अगर 60-70% लोगों ने वोट कास्ट कर दिया तो फिर शायद ये बातें कामयाब ना हो, लेकिन फिर भी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे क्या पता वो तहरीक इंसाफ का साथ बाद में दें ना दें, वो फदारियां तब्दील कर लें, क्योंकि उनके ऊपर कानून तो लागू नहीं होता डिफेक्शन का, क्योंकि वो आज़ाद जीतेंगे तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त पीटीआई के लिए कोई अच्छा माफिक साजगार माहौल नहीं है। अदनान साहब, कल नाजी साहब भी कह रहे थे कि कोई नई सियासी जमात भी मारज़े वजूद में आ सकती है, तो लग रहा है आपको कि ऐसा हो सकता है, इन्वायरमेंट है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बड़े एहतराम के साथ मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा, जब तक बानी पीटीआई मौजूद हैं उन शख्सियात के गिर्द घूमती है पाकिस्तान में सियासत, जैसे नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, भुट्टो फैमिली के गिर्द घूमती है, उनका जो फॉलोइंग है वो बानी पीटीआई के गिर्द है। Exactly. तो जब तक बानी पीटीआई हैं वो उनकी फॉलोइंग रहेगी, और अभी तक उनकी मकबूलियत कम नहीं हो सकी बल्कि बढ़ ही गई है। तो वो जब तक हैं पीटीआई रहेगी, पीटीआई में इख्तलाफात भी होंगे, लीडर्स आपस में लड़ते भी रहेंगे, लेकिन असल जो वोट बैंक है वो बानी पीटीआई का है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि शख्सियात के गिर जैसे जुल्फकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर भुट्टो, अभी भी उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, और उधर नवाज शरीफ, अगर आप नवाज शरीफ को माइनस करें तो फिर नून लीग तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो वोट बैंक तो नवाज शरीफ का ही है, इसी तरह वोट बैंक जो है बानी पीटीआई कासिम के अब्बू। अदनान साहब, दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जो है बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बड़े जोश और वलवले के साथ तकरीर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो वजीर आजम बनाने की साजिश की जा रही है ये मैं नहीं होने दूंगा। साजिश कौन कर रहा है? हाँ नहीं, उनका इशारा जो है सरकारी इंतजामिया की तरफ है कि इंतजामिया बहुत फेवरेबल है नून लीग से। आपने देखा कि जब मरियम का जलसा हुआ तो सारी इंतजामिया उनको हेल्प करती नजर आई हमें, वहाँ पे छुट्टी दे दी गई स्कूलों में कॉलेजों में, और प्रोटोकॉल मिल रहा था, तो साफ नजर कि जो इस वक्त इंतजामी ढांचा है, निगरान हुकूमतें हैं नून लीग को फेवर कर रही हैं। और लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि इस वक्त तो पीटीआई तकरीबन माइनस किया हुआ है, टेक्निकली नॉकआउट किया हुआ है उसको, वो कि उनकी वोट बैंक मौजूद है, लेकिन ऐसी मुश्किलात उनके लिए कानूनी खड़ी हो गई हैं कि वो उस वक्त पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सक रहे, तो वो एंटी नमाज वोट को कैश कराना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई का वोट बददिल हो गया है, चूँकि उन्हें पता है कि वो मैदान में नहीं है, एज सच मैदान में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में है, तो उसका वोट तोड़ के अपनी तरफ खींच के ले आए, क्योंकि बहुत सारा वोट जो पहले पीपल्स पार्टी का था टूट कर चला गया था पीटीआई में, तो अब उनकी कोशिश है कि वो दोबारा वापस आ जाए, इसलिए वो ज्यादा टारगेट उम्मीदवार तो आईपीपी में मौजूद है पीटीआई के। हाँ, पीटीआई के उम्मीदवार, पीटीआई का इस वक्त जो मामला है वो काफी मुंतशिर है, शिराजा जैसे वो खुद कहा लतीफ हुसैन है कि हमारी पार्टी का शिराजा बिखर गया कि जब उनसे निशान ही छीन लिया वो, लेकिन ये कि बिलावल की कोशिश ये है कि पंजाब में किसी तरह दोबारा पीपल्स पार्टी को खड़ा किया जाए, जबकि हकीकत यह है कि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं है। 4-5 सीटें जो उनके बड़े बड़े ज़ाती असर सुख की बुनियाद पे लोग जीत सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद वगैरह, लेकिन ये कि उनकी पार्टी जो है उसकी अवाम में जो स्टैंडिंग है वो नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद पंजाब की अवाम ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, आसिफ जरदारी की क़यादत को रिजेक्ट कर दिया, अब कोशिश उनकी यह है कि उसको बहाल कराकर अपनी जगह बना सके। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, अपना तज़िया पेश किया।